your sorrow will turn into joy. It was indeed a great joy for us to pray for you today. Welcome, dear friends, to the presence of the living God. स्वागत है आपका प्यारे मित्रों जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. He cares for you. उसे आपकी चिंता है. And every time a person went to Jesus, और जब कभी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास गया, the question that he asked was, तो जो सवाल उसने उससे पूछा वो ये था, What do you want me to do? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Do you believe? क्या तू विश्वास करता है? That I can do this miracle for you. कि मैं तेरे लिए ये चमत्कार कर सकता हूँ? Lord asks you the same question, my friend. और मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपसे यही सवाल पूछता है. Today, tell him. और आज उससे बताएं. Lord, I believe that you can wipe away my tears. कि हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि केवल तू ही मेरे आंसुओं को पोंछ सकता है। I believe that you will perform a miracle for me and my loved ones. और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए और मेरे प्रिय जनों के लिए चमत्कार कर सकता है। Today he will stretch forth his hands when we pray together and touch you and do miracles for you. और आज जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, वो अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाएगा और आपके लिए चमत्कार करेगा। Jesus loves you. प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आइए, Let's listen about him and receive his blessing. आइए उसके बारे में सुने और उसकी आशीषों को पाएं। क्या आप बीमार हैं और चंगाई के लिए इंतजार में हैं? Nobody could bring healing to another man. कोई भी दूसरा व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए चंगाई नहीं ला सकता। That's why God himself came in the form of a man. इसलिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धर करके इस पृथ्वी पर आए। His name was Jesus. उनका नाम था यीशु। आइए सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन के द्वारा इसी संदर्भ में दिए गए संदेश को। Tonight let's meditate God's promise found in Jeremiah 30 and verse 17. आइए आज हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में मनन करें, यिर्मयाह 30 और उसका वचन 17। God says, I will restore you to health. यहोवा कहता है, मैं तुम्हें फिर से चंगा करूंगा। And I will heal your wound. और मैं तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधूंगा। I will heal your wounds. मैं तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। My child, I will heal your wounds tonight. मेरे बच्चे, आज की रात में तेरे घाव को चंगा करूंगा। Jeremiah 8 and verse 22. यिर्मयाह 8 और वचन 22 में हम देखते हैं, God cries, परमेश्वर ये कहता है, Is there no physician in Gilead? क्या गिलियाद में कोई चंगा करने वाला हकीम नहीं? Is there no balm in Gilead? क्या गिलियाद में कोई ऐसा मरहम नहीं? Then why is my daughter not healed? तो फिर मेरी बेटी जो है क्यों चंगी नहीं हो रही है? Is there no medicine? क्या यहाँ कोई दवाई नहीं है? Is there no physician? क्या कोई औषध देने वाला नहीं है? Is there no surgeon? क्या यहाँ पर कोई सर्जरी करने वाला नहीं है? Why should my daughter not be healed then? तो फिर क्यों मेरी बेटी जो है वो चंगाई को नहीं पा रही है? That's the heart of our heavenly father. ये हमारे स्वर्गीय पिता की मनशा, उसका हृदय। He longs that you and I should be healed. वो लालसा करता है कि आप और मैं चंगे हो जाएं। Free of all our sorrows. हमारे हर एक दुखों से हम बरी हो जाएं, Pain, अपने परेशानियों से बरी and हो जाएं, the oppression of the devil. और शैतान के सताव से मुक्त हो जाएं। In 1986, 1986 की बात है, my sister and my parents were going in a car to the airport to go to another city to preach the gospel as well as ask for a loan for Karunia University in a bank. मेरी बहन और मेरे माता पिता कार से जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ कि एक दूसरे शहर में जा करके वहां प्रचार करें और बैंक से कारुनिया यूनिवर्सिटी के लिए पैसों का इंतजाम करें। The car never reached the airport. लेकिन कार जो है कभी भी एयरपोर्ट तक नहीं पहुंची। A truck hit the car. एक ट्रक ने कार को ठोकर मार दी। And my parents were wounded. और मेरे माता पिता जो थे जख्मी हो गए। My sister fainted on my daddy. और मेरी बहन जो है मेरे पिता के ऊपर में बेहोश होकर के गिरी। He said, "Angel, get up." उसने कहा, एंजल उठो। Every day he would kiss her 50 times. प्रतिदिन वो 500 बार एंजल को
प्यार करते थे. He loved her so much. वो इतना ज़्यादा उससे प्रेम करते थे. Such a beautiful girl. इतनी खूबसूरत लड़की थी वो. 17 years old. केवल 17 साल की लड़की. She would sing so beautifully, exactly like Sweetie. और वो बहुत ही खूबसूरती के साथ गाना गाती जैसे कि स्वीटी गाती है. She fell on my father's shoulders. वो मेरे पिता के कंधों के ऊपर गिरी. She never got up. और उसके बाद वो कभी नहीं उठी. The police came. पुलिस आई. They took her to one hospital. वे उसे उठा करके एक अस्पताल में ले गए. And they took my parents to another hospital. मेरे माता पिता को एक दूसरे अस्पताल में ले गए. When I rushed to the hospital where my sister was. जब मैं उस अस्पताल को भागा जहां मेरी बहन थी. Just a little bit of blood came out of her nose. थोड़ा सा लहू उसके नाक से होकर के बाहर निकला था. The doctors took away all the oxygen. डॉक्टर ने सारा ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया. I said, what are you doing? मैंने कहा, क्या कर रहे हैं आप सब? He said, your sister is dead. उन्होंने कहा कि आपकी बहन जो है मर चुकी है. They never knew who she was. वो कभी नहीं जानते थे कि वो कौन थी. It was a wayside government hospital. वो तो दूर से एक सरकारी अस्पताल था, दूर का. He said, all right, take the jewels and walk out. And we will sign the papers to take the body. उन्होंने कहा कि आप जो हैं इनके गहने निकाल करके ले जाइए और हम साइन कर देंगे कि आप इनके मृत शरीर को ले जा सकते हैं. My heart was broken. मेरा हृदय जो था टूट गया. I cried. मैं रोने लगा. We had lost her in a moment. एक घड़ी में हमने उसको खो दिया. Then I went to my parents in another hospital. फिर मैं अपने माता-पिता के पास एक दूसरे अस्पताल में गया. My father's hands were broken. मेरे पिता के हाथ जो थे वो टूटे हुए थे. My mother's head was broken. मेरी माँ का सिर जो था वो फटा हुआ था. They were fighting for their life. वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे. When I went to my daddy, जब मैं अपने पिता के पास गया, he said, how is Angel? उन्होंने पूछा, एंजल कैसी है? How is Angel? एंजल कैसी है? I said, she is in another hospital. मैंने कहा कि वो एक दूसरे अस्पताल में है. Of course, I had put her in a mortuary in another hospital. हाँ, मैंने एक दूसरे अस्पताल में शव गृह में मैंने उसको रख दिया था. He asked, are there good doctors there? पिताजी ने पूछा, क्या वहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं? Are the best doctors taking care of my daughter? क्या मेरी बेटी की देखभाल सबसे अच्छे डॉक्टर कर रहे हैं? What are the doctors saying? डॉक्टरों का क्या कहना है? Do they say she will live? क्या वो कहते हैं कि वो जीवित रहेगी? Will my daughter live? क्या मेरी बेटी जीवित रहेगी? Will my daughter live? क्या मेरी बेटी जिएगी? Will my daughter live? क्या मेरी बेटी जीवित रहेगी? That is exactly the heart of your heavenly father. और यही बिल्कुल आपके स्वर्गीय पिता का भी हृदय है. He is also crying. वो भी हमारे साथ रो रहा है. Why should my son be sick? क्यों मेरा बेटा जो है बीमार है? He looks at you and he says, why should you, my son, be sick? वो आपकी ओर देखता और कहता है, मेरे बेटे को क्यों बीमार रहना चाहिए? Why should you, my daughter, be sick? तुम मेरी बेटी, तुम्हें क्यों बीमार होना चाहिए? Is there no physician in this world? क्या इस संसार में कोई चिकित्सक नहीं है? Is there no physician to take care of my daughter, my son? क्या कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो मेरे बेटे मेरी बेटी की चिंता करे, उनकी देखभाल करे? Nobody could bring healing to another man. कोई भी दूसरा व्यक्ति अन्य व्यक्ति के लिए चंगाई नहीं ला सकता. That's why God himself came in the form of a man. इसलिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धर करके इस पृथ्वी पर आए. His name was Jesus. उनका नाम था यीशु. Took the form of a man and came to heal every broken heart. वो एक मनुष्य का रूप धर करके आया कि हर एक टूटे हुए हृदय को वो ठीक कर दे. Everyone with sickness. हर एक जो रोगी उन्हें ठीक करे. Everyone suffering with a curse. हर एक जो श्राप से परेशान है उनको ठीक कर दे. And Jesus himself went through those sickness. और यीशु स्वयं उन सारे दुखों और रोगों से होकर गुजरा. Yes, his body was wounded. हाँ, उसका शरीर जो था जख्मी किया गया. His heart was wounded because of betrayal. और उस नकारे जाने के कारण उनका हृदय भी टूटा हुआ था. And his body was wounded, beaten for the sins of every one of us. हम में से हर एक के पापों के लिए उनके शरीर को मारा गया और वो जख्मी हुआ. He said, let me take the sin of everyone upon myself. उसने कहा, मैं अपने ऊपर में हर एक के पाप को उठा लेता हूँ. 2 Corinthians 5:21 से दूसरा कुरंती 5:21 जो है कहता है, Jesus knew no sin. यीशु मसीह कोई पाप नहीं था. Yet he became sin for us. तो भी वो हमारे लिए पाप बन गया. God in flesh. ईश्वर जो देहधारी हुआ. Jesus became sin for us. ईश्वर हमारे लिए पाप बन गया.
His body was beaten with whips and nails and torn to pieces to carry our sickness on his body. उसके शरीर को जख्मी और किया गया, मारा गया कोड़ों से जिसमें कील और कांटे लगे थे, ताकि वह हमारे पापों को अपने शरीर पर उठा ले। In Galatians 3:13, गलती 3:13 में, all the curses that come to us and break our spirits and put oppression was put upon Jesus. हर एक श्राप जो हमारे ऊपर आकर के हमें दुखित और परेशान करते हैं, उसके ऊपर डाल दिया गया कि वो उनको सह ले। He became a curse for us. और वो हमारे एक श्राप बन गया। Look at him on the cross. आप उसे क्रूस पर देखिए। He is lying naked on the cross. वो क्रूस पर नंगा लटका हुआ था। In 2 Corinthians 8:9. दूसरा कुरिन्थी 8:9 कहता है। The Bible says, though he was so rich. बाइबल कहता है कि वो इतना धनी था। Yet he became so poor. तो भी वो इतना गरीब बन गया। So poor. इतना गरीब बन गया। He was naked on the cross, a symbol of shame. कि वो जो था क्रूस के ऊपर नंगा था, मानो वो शर्मिंदा हो। Today you may be going through shame because you don't have a house. हो सकता है आज आपके पास एक घर नहीं है और आप शर्मिंदगी से गुजर रहे हैं। 2 years ago, 2 साल पहले की बात है। We built 31 houses for people who had lost their homes. हमने 39 लोगों के लिए घर बनाए जिनने अपने घरों को हमेशा के लिए खो दिया था। When I went to hand over those homes to those families who were literally in the streets. और मैं उन घरों को उन परिवारों को सौंपने के लिए गया जो वास्तव में बिल्कुल मानो सड़क पर थे। Yes, they said, thank you, Sisha. Thank you for giving us a home. उन्होंने कहा, धन्यवाद Sisha, धन्यवाद आपने हमें घर दिया। But one little girl came with her mommy. लेकिन एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ आई। Her father had died. उसका पिता जो था मर चुका था। And she held on to my hands. और उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। Little girl. छोटी लड़की। And she cried. और वो रोने लगी। She cried and cried. और वो रोती रही। She said, sir. उसने कहा, महोदय। Thank you for giving me dignity to live now. धन्यवाद आपने मुझे इज्जत दी है कि मैं इज्जत के साथ जी सकूं। As a young girl, I was literally living in the streets. एक जवान लड़की होने के बावजूद मैं बिल्कुल एकदम रोड सड़क पर रहती रही थी। And I was living with fear, fear, fear. What would happen to me? और मैं बस इस डर के साथ जीती थी कि कल मेरे साथ क्या होगा। Shame covered us. शर्म ने हमें घेर रखा था। We had no place to go and hide. और हमारे पास कोई जगह नहीं थी जहां हम जाकर के छुपे। Thank you for giving us dignity in life now. अब हमारे जीवन में एक इज्जत देने के लिए धन्यवाद। I have a home. अब मेरा एक घर है। I have a home. मेरा एक घर है। My mommy and I can live in a home and lock the door and live with dignity and security. अब मैं और मेरी माँ जो है घर में ताला लगा करके बड़ी सुरक्षा के साथ और इज्जत के साथ रह सकते हैं। She cried and I also cried. वो रोने लगी और मैं भी रोने लगा। All of us wept with joy. और हम सब के सब आनंद के साथ रोने लगे। But look at Jesus. लेकिन यीशु मसीह को देखिए। He was hanging as a naked person on the cross. वो तो क्रूस पर एक नंगे की तरह लटका हुआ था। To give us hope. ताकि वो हमें एक घर दे। To give us a family. ताकि हमें एक परिवार दे। To give us everything for us to live in this world. ताकि संसार में हम जिए इसके लिए सब कुछ हमें प्रदान करें। He came to bring healing. वो इसलिए आया कि चंगाई दे। Healing from our sin. हमारे पापों से चंगाई दे। Healing from our sickness. हमारे रोगों से चंगाई दे। Healing from our shame. हमारे शर्म से हमें चंगाई दे। Healing from our curses. हमारे श्रापों से हमें चंगाई दे। Healing from our life of poverty. हमारे गरीबी के जीवन से चंगाई दे। Healing from the oppression of the devil. शैतान के सताव से हमें चंगाई दे। Jesus came. यीशु आया। To make a way for us to live in this world. ये संसार में हम जी सकें उसके लिए एक रास्ता निकाले। Restore us to health. ताकि हमें वो फिर से स्वस्थ करे। To heal our wounds. और हमारे घावों को चंगा करे। Tonight he will help you. आज रात वो आपकी सहायता करेगा। How to receive these miracles and blessings and restoration from Jesus. इन आशीषों को, चंगाई को और हर एक प्रकार से पुनर्गठन को कैसे प्राप्त करना है यीशु से देखेंगे। Jesus said, ask. यीशु ने कहा, मांगो। My child, ask. मेरे बच्चे मांगो। In John 14:13 and 14. यूहन्ना 14:13 और 14 में उसने कहा। He says, ask.
वो कहता मांगो ask in my name the name of Jesus मेरे नाम से यीशु के नाम से मांगो I will do whatever you ask और जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा I will do whatever you ask तुम जो मांगोगे मैं वही करूंगा and he says I am knocking at the door of your heart for you to open to me for me to come and do everything for you और वो कहता है देखो मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं ताकि तुम मेरे लिए द्वार खोलो और मैं वहां आऊं और तुम्हारे लिए कार्य करूं Jesus says that in Revelation 3:20 और यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में ये बात कहते हैं Tonight would you open your heart आज की रात क्या आप अपने हृदय को खोलेंगे Wherever you are आप जहां भी हैं and tell the Lord Jesus यीशु मसीह को ये बताएं Restore me to health Lord प्रभु जी आप मुझे फिर से चंगा करें Heal my wounds Lord मेरे घावों को चंगा करें प्रभु जी I want to live in this world मैं संसार में जीना चाहता हूं I want to live in this world मैं संसार में जीना चाहता हूं Now Jesus will come to you अब यीशु आपके पास आएंगे He went through death for you वो आपके लिए मृत्यु से होकर के गुजरा है He rose up from the dead और वो मृतकों से फिर से जी उठा Revelation 1:18 Jesus says प्रकाशित वाक्य 18 में यीशु कहता है I was dead मैं मर गया था but I am alive evermore लेकिन अब मैं हमेशा के लिए जी उठा हूं Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है. Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है. He is alive for you. वो आपके लिए जिंदा है. He is alive for you. वो आपके लिए जिंदा है. To heal your wound. आपके घाव को चंगा करने के लिए. And to restore you to health. और आपको फिर से चंगाई देने के लिए. Tonight he is here. आज की रात वो यहाँ पर है Open your heart to him. आप अपना हृदय उसके लिए खोलिए Tell him, Lord, अपना हृदय उसके लिए खोलिए Come into my heart. और उससे कहे प्रभु जी Come into my heart. मेरे हृदय में आइए He is ready to come in. मेरे हृदय में आइए Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें Father, हे पिता Please see the cry of your children. मेहरबानी करके अपने संतानों के आंसू और पुकार को सुने Heal them, Lord. उन्हें चंगाई दे Lay your hands on everybody who is praying with us. और प्रभु हर एक वो व्यक्ति जो इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है, हर एक के ऊपर आप अपना हाथ रखें। Let your healing waters. और प्रभु होने दे कि आपके चंगाई का जल, healing power. और चंगाई की सामर्थ्य, flow into their organs. इसी समय इनके शरीर के अंगों में बहने लगे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम I cast out every sickness और इस समय हम हर बीमारी को निकालते हैं every weakness हर एक कमजोरी को निकालते हैं every deformity और हर एक दुर्बलता को निकालते हैं and every evil power और हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को and every deficiency और हर एक कमजोरी को निकालते हैं out of their organs in Jesus name इसी समय इनके शरीर के अंगों से बाहर निकालते हैं यीशु मसीह के नाम में Be healed in Jesus name चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में Your devils leave these organs in Jesus name दुष्ट आत्मा इनके शरीर के अंग को छोड़ दे यीशु के नाम में Leave this life इस जीवन को छोड़ दे Leave this family इस परिवार को छोड़ दे Never touch them anymore और आगे को फिर तू स्पर्श न करना Father पिता Let every pain go, Lord. हर एक दर्द निकल जाए. Take it away. निकाल दे. Let life come into them. ताकि आपका जीवन इनमें आ जाए. From you, Lord Jesus. और वो जीवन आपसे आएगा. Holy Spirit. पवित्र आत्मा. Create new organs for them. इनके लिए शरीर में नए अंग तैयार कर. New organs. नए अंग तैयार कर. Let their organs begin to work right now. और होने दे प्रभु के शरीर का अंग इसी समय काम करने लगे राइट नाउ इसी समय लेट योर ग्लोरी कम अपॉन देम होने दे परमेश्वर तेरी महिमा इनके ऊपर उतर आए एवरीवन हु डस नॉट हैव अ चाइल्ड हर एक वो व्यक्ति जिसके संतान नहीं है लॉर्ड आई प्लेस अ चाइल्ड इन देयर वूम्ब राइट नाउ इन जीसस नेम प्रभु मैं इनके संतान को इनके गर्भ में रखता हूं यीशु मसीह के नाम में कंफर्म इट प्रभु इसे प्रमाणित करें Do this miracle, Lord. और इस चमत्कार को करें प्रभु Let every black magic leave. हर एक काला जादू जो इनके विरोध में किया है निकल जाए Let them be prosperous. और होने दे संपन्नता को पाएं Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Thank you.
धन्यवाद। We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं। My friends, just praise the Lord. और मेरे प्यारे मित्रों, आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करो। Give him all the glory. उसे सारी महिमा दो। Thank you, Jesus, for your miracle. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह अपने चमत्कार के। Thank you, Lord, for healing. धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए। Thank you, Lord, for delivering your people. धन्यवाद प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए। Thank you for the miracles, Lord. और धन्यवाद प्रभु चमत्कारों के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, blind eyes are opening right now. इसी समय अंधी आंखें खुल रही हैं। अनुपमा। अनुपमा। God touched your eyes right now. इसी समय परमेश्वर ने आपकी आंख को छुआ है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। रतीश। रतीश। God touched you. Your infirmity and the deficiency in your body is being healed right now. परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है। आपके शरीर की हर एक कमजोरी, दुर्बलता है, जो बीमारी है, वो इसी समय चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम से। रीनी। रीनी। Your hearing problem is healed in Jesus name. आपको जो सुनने में तकलीफ थी, आपकी बीमारी से आप चंगी हो गई यीशु के नाम में। लक्ष्मण सोरेन। लक्ष्मण सोरेन। God touched you right now. परमेश्वर ने इसी समय आपको छुआ है। Every infirmity in your chest is being healed. आपकी छाती की सारी बीमारी इस समय चली गई, चंगे हो गए। God heals you. परमेश्वर आपको चंगाई देता है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। रेणुका देवी। रेणुका देवी। God healed your back and your bones. परमेश्वर ने आपकी पीठ और आपकी हड्डियों में चंगाई दी है। Rise up and walk in Jesus name. उठकर चलना शुरू करें यीशु मसीह के नाम में। Honor him. उसका सम्मान करें। And he will honor you. और तब वो भी आपका सम्मान करेगा। Thank you, Lord, for these miracles. धन्यवाद प्रभु इन चमत्कारों के लिए। Bow before you, Master. स्वामी, हम आपके सामने दंडवत करते हैं। In Jesus name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. मेरा नाम खेमलता मानिकपुरी है। मैं दिल्ली राजहरा से हूँ। मैं परिवार आशीष योजना से जुड़ी हूँ। मेरे पास पत्रिका आता है यीशु पुकारते हैं करके, और 2013 में मेरा पैर में प्रॉब्लम आ गया था, घाव हो गया था मेरे पैर में, मतलब शुगर था, तो पानी वानी की वजह से मेरे को पता ही नहीं था। फिर वो देखते देखते पता नहीं एकदम पैर में उंगली के बीच में सूजन हो गया, और मैं बहुत डर गई थी कैसे होगा ईश्वर ऐसे करके। दवाई भी ली तो ठीक नहीं हो रहा था, इंजेक्शन भी लगाए तो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मैं भर्ती हुई, वहाँ देखी बहुत लोगों को पैर वैर को सब होकर रहे थे, तो मैं और डर गई। फिर मैं ईश्वर से दिल्ली रायपुर में प्रार्थना करवाई कि हे ईश्वर, मेरे पैर में जो भी जख्म है वो जल्दी ठीक हो जाए और कुछ ना करना पड़े, ऐसे करके प्रार्थना कराई। फिर डॉक्टर साहब चीरा वीरा लगाए तो ठीक हो गया, और मैं रोज़ प्रार्थना कराती थी, फिर मेरा पैर ठीक हो गया। मेरे पैर में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी चंगी हूँ, चल फिर सकती हूँ, पूरा दिन भर काम भी करती हूँ तो भी मैं अच्छी रहती हूँ। और मेरे बच्चे का अभी सूरज दास नाम है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसका भी बहुत तबीयत खराब हो गया था, कमजोरी हो गया था, 6 ग्राम खून था, तो मैं डर गई थी कैसा ऐसे हो गया, ईश्वर इसको चंगाई दे ऐसे करके। तो दवाई भी लिया और मैं बहुत प्रार्थना की अपने से, और रोज़ मैं सब टीवी भी देखती हूँ, रोज़ प्रार्थना देखती हूँ। Let your healing waters. और प्रभु होने दे कि आपके चंगाई का जल, healing power. और चंगाई की सामर्थ्य, flow into their organs. इसी समय इनके शरीर के अंगों में बहने लगे। In Jesus name. यीशु मसीह के नाम। I cast out every sickness. और इस समय हम हर बीमारी को निकालते हैं। Be healed in Jesus name. चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फिर मेरे बच्चे से के लिए प्रार्थना की, दिल्ली और रायपुर में प्रार्थना करवाई, तो मेरे बेटे का खून 14 ग्राम हो गया, वो ईश्वर की दया से ठीक है, अभी उसका परीक्षा चालू है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अच्छे डिवीजन से पास हो, और मेरे परिवार के तरफ में, परिवार में सब लोग अच्छे से रहें। परिवार की ओर से मैं ईश्वर मसीह को धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर पाल दिनाकरन के परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मेरे परिवार अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं। जय मसीह की। धन्यवाद। जिस परमेश्वर ने इनके जीवनों में आशीष दी है, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देने को तैयार हैं। यीशु बुलाता है सेवकाई के विभिन्न पद्धतियाँ, जैसे बच्चों की आशीष योजना, परिवार आशीष योजना, टेलीविजन सेवकाई, व्यापार आशीष योजना, प्रार्थना भवन सेवकाई, पत्रिकाओं और पुस्तकों द्वारा सेवकाई,
प्रार्थना महोत्सव सेवकाई, शिक्षा पत्रों द्वारा सेवकाई, करुणिया विश्वविद्यालय ऑडियो वीडियो सीडी द्वारा सेवकाई और इत्यादि के द्वारा विश्व भर में परमेश्वर के प्रेम और तरस को पहुंचा रही है। आप भी इस शुभ कार्य में हमारी मदद कर दूसरों के जीवन में आशीष लाने का कारण बनिए। तो आप अपने दान राशियों को चेक, ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के द्वारा यीशु बुलाता है के नाम पर इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन 16 डॉक्टर डीजीएस दिनकरन रोड चेन्नई 60028। या आप इसे इंटरनेट के माध्यम से हमारी सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org।